कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। श्रद्धालु घाट पर पूजन अर्चन भी करते हैं। महानगर के राजघाट पर मेले जैसा दृश्य रहता है। यहाँ पर राप्ती नदी के किनारे भोर से ही श्रद्धालुओं के आने का तांता लग जाता है। हर जगह आस्था का जमावड़ा देखने को मिलता है। कार्तिक स्नान के लिए रात से ही लोग आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में राप्ती नदी के किनारे महवा व राजघाट में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्नान के दौरान कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में ना जाने पाए, इसके लिए बैरिकेटिंग भी की गई है। साथ ही NDRF SDRF की टीम के साथ स्थानीय गोताखोरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटित होने पाए, इसके लिए स्थानीय थाने की पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा। राजघाट पे जो है अब यहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, और जो राप्ती नदी का जो दूसरा तट है बहरामपुर दक्षिणी और नौछड़ कला जो गीडा में पड़ता है, वहाँ भी समुचित पुलिस की व्यवस्था की जा रही है। NDRF SDRF की टीमें लगती हैं। उसके अलावा जो है लोकल नाव से जो है मल्लाह भी हम लोग जो है लगाते हैं कि कोई अप्रिय दुर्घटना ना हो।